अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम स्टाइल फूड विद मी वाहिदा। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी, देखने सुनने में तो बहुत आसान सी टमाटो की चटनी लगेगी फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही लजीज बनती है। तो वायरल भी चल रही है, तो चलिए हम भी बना लेते हैं। मैं किस तरह से बनाती हूँ आपको बताऊंगी, तो चलिए बनाने का तरीका और इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से रेड 7 टमाटोज लिया है। आप अपने हिसाब से, जितना आपको घर आपके घर वालों के हिसाब से जितने टमाटो की ज़रूरत लगेगी उतना डाल दें। मैंने 7 टमाटोज लिया है, लगभग ये 300 या फिर 400 ग्राम के जितना होगा। इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून के जितना ऑयल। और फिर टमाटो को इस तरह से रख देंगे, अपसाइड डाउन रख देंगे टमाटोज को। जायद को पता नहीं है फ्रेंड्स कब से कुकिंग का शौक चढ़ गया है उन्हें, बहुत ज़्यादा कुकिंग में हेल्प करते हैं। बनना तो IAS चाहते हैं, लेकिन कुकिंग में मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा कुकिंग में सपोर्ट करते हैं। पता नहीं, आप प्लीज़ अपनी दुआओं में मेरे बेटे के लिए भी ख़ास तौर से दुआ करें। जो भी बने, अच्छे इंसान बने, इंसानियत के लिए काम करें, इस तरह से आप प्लीज़ दुआ करें। तो टमाटो को इस तरह से मैंने अपसाइड डाउन लगा दिया है पैन पे, और मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की रख दिया है। चूल्हे को मैंने एकदम लो फ्लेम में रखा है फ्रेंड्स। कवर कर देंगे पैन को और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, टमाटो वन साइड से अच्छे से पक चुका है, गल चुका है थोड़ा बहुत। अभी इसको फ्लिप कर लेंगे। तो फिर से इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में ही पकने रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ढक्कन हटा के फिर से एक बार चेक कर लेंगे टमाटोज को। बेसिकली टमाटो को हमें थोड़ा यहाँ पर ही गला लेना है फ्रेंड्स, इसके लिए इस तरह से इसको पका लेना है। बिना छिलके उतारे भी, बिना टमाटो को गलाए भी डायरेक्ट डायरेक्ट भी चटनी बनती है फ्रेंड। बहुत टमाटो की चटनी बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से बनाते हैं, ऐसा नहीं है। टमाटो की चटनी सिर्फ यही एक तरीके से बनती है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से बनाते हैं। बिना गलाए टमाटो को भी बनाते हैं, डायरेक्ट भी बघार करके टमाटो को बनाते हैं, इसमें अंडा उबाल के भी डालते हैं, कुछ लोग कैशूज भी डालते हैं, बहुत तरीकों से बनती है फ्रेंड्स। तो पैन को मैंने कर दिया है बंद, और इसको ठंडा होने के बाद इसका छिलका उतार लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा छिलका गर्म में ही उतार ले रही हूँ फ्रेंड्स। आप इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद आराम से इसका छिलका उतार लें। टमाटो तो अच्छे से गल चुके हैं फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा छिलके उतारने में तकलीफ तो नहीं होगी, आसानी से उतर जाएंगे। लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद उतार लें और इसका छिलका, नहीं तो थोड़ा वो छींटे उछलेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको थोड़ा देर के लिए इसमें ही ठंडा होने के लिए रख दें, और फिर इसको आप चाहें तो हाथों से ही चूर लें, मैश कर लें, या फिर मैशर की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको मैश नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ब्लेंडर जार में पीस लूँगी। मुझे सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर चाहिए, इसके लिए मैं इसको ब्लेंडर जार में इसका प्योरे तैयार कर लूँगी। बिना पानी ऐड के मैं ब्लेंडर जार में डाल के इसको मैं पीस लूँगी। जो इसका टमाटो का अपना पानी हो उसी में मैं इसको मैं पीस के एक थिक पेस्ट तैयार कर लूँगी। सेम पैन मैंने ले लिया है, और उसमें ऐड कर देंगे फिर से 2 टीस्पून के जितना ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के जितना जीरा। जीरे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, और फिर इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज, और फिर इसमें ऐड कर देंगे 2 चॉप अनियन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक, एक चुटकी हल्दी मैंने डाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। टमाटो की स्मूथनेस और जो ये बीच में प्याज का जो क्रंचीनेस, जो बाइट आएगा फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी चटनी ये। आप चाहें तो टमाटो को मैश करके भी डाल दें, कच्चा ऑनियन, कच्चा
ग्रीन चिलीज, हरा धनिया सब डालें, वो भी वो अलग तरह की चटनी, वो भी अच्छी बनती है। लेकिन इस तरह से भी आप एक बार ट्राई करके देखें। इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून के जितना गरम मसाला, 1.5 टीस्पून के जितना मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर, और चिली पाउडर मैंने डाला है हसबे जायका चिली पाउडर डाल दें फ्रेंड्स। ग्रीन चिलीज भी हमने डाला हुआ है, ध्यान रहे इस बात का ख्याल रखते हुए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली पाउडर डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है हमें, और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटो और गार्लिक का प्योरे। मिक्स कर लेंगे। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा नमक कम था इसके लिए मैंने नमक ऐड कर दिया है, और फिर इसमें डाल देंगे आधे नींबू का रस। चॉप्ड हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। बस ये हो चुका है फ्रेंड्स, गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको कर लेंगे डिश आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, रिच एकदम क्रीमी टमाटो की चटनी हमारी बनके तैयार हुई है। आप इसे रोटी और चावल पूरी के साथ इसे ट्राई करके देखें आप। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। आप घर में कोई सब्जी नहीं हो तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे ऐसी अगली रेसिपी में, तब तक अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।